दोस्तों, क्या आप अपने फ़ोन को एज अ गेम पैड, यानी आप अपने फ़ोन को गेम पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, अपने टीवी के गेम्स कंट्रोल करना चाहते हो फ़ोन में, तो बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन कर देना है और फिर टीवी में चले जाना है और वाईफाई ऑन करके अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद हमें चले जाना है ऐप में और सेंड फाइल टू टीवी। इस ऐप को फ़ोन में और टीवी में डाउनलोड करने के बाद ये ब्लूटूथ गेम पैड, इस एप्लीकेशन को आपके टीवी में इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आपको ब्राउज़र में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये इस तरह का होता है, तो गूगल ब्राउज़र में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको सेटिंग में चले जाना है, डिवाइस प्रेफरेंस में चले जाना है और नीचे मैनेज कीबोर्ड में चले जाना है और ब्लूटूथ गेम पैड को ऑन कर देना है। उसके बाद बैक चले जाना है और करंट कीबोर्ड में चले जाना है और ब्लूटूथ गेम पैड को ऑन कर देना है। उसके बाद बैक चले जाना है और फ़ोन में इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर ब्लूटूथ को ऑन कर देना है। और फिर देखिए मेरा ये जो ब्लूटूथ है ये दिखा रहा है यहाँ पे मेरा नाम का, तो मैंने यहाँ देखिए डिवाइस नेम तो कनेक्ट हो चुका है मेरा ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर लिया है। अभी गेम कंट्रोलर इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे और फिर देखिए यहाँ कनेक्ट एंड गेम यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो देखिए अभी नीचे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, देखिए बड़े ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पर ओके का बटन नहीं दबता। तो आपको ओके का बटन टीवी के रिमोट से ही करना होगा। उसके बाद अगर कोई परेशानी नहीं है तो हम टीवी के रिमोट को सामने रख देते हैं और फिर बड़े ही आसानी से हम गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई कोई गेम इसमें सपोर्ट नहीं करता, तो जो गेम सपोर्ट करता है वही खेलिएगा।